हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम बनाने वाले हैं अंडा पालक करी रेसिपी। तो इसे हम धो दिए हैं और यहाँ पर हम चार ही अंडा लिए हैं। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो और ज़्यादा बना सकते हैं। और इसे हम गैस ऑन करके सस्पेंड चढ़ा देंगे और 5-15 मिनट तक इसे हम पकने देंगे। तो अंडा उबल कर रेडी हो गया है, तो गैस के कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसका कवर हटाएंगे। तब तक चलते हैं पालक उबालने के प्रोसेस में। यहाँ पर हम लिए हैं पालक और इसे हम धो लेंगे 2 से 3 बार। तो यहाँ पर हम गर्म पानी होने के लिए रख दिए थे, गैस पे चढ़ा दिए थे और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिए हैं और ये गर्म हो गया है। यहाँ पर पालक के थोड़ा फ्रेश कर लिए हैं और इसे हम गर्म पानी में डाल देंगे। और इसको उबालेंगे नहीं, इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। तो देखिए ये सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे हम पानी से निकाल लिए हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम अंडा का छिलका हटा दिए हैं और इधर हम कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए थे। कढ़ाई गरम हो गया है तो इसमें हम सरसों तेल डाल देंगे 2 चम्मच। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मिक्स कर देंगे। पर हम कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों के तेल डाल दिए हैं और तेल भी गर्म हो गया है। तो इसमें हम अंडा जो रखे थे वो डाल देंगे। और इसे हम अलग अलग से पकने देंगे। यहाँ पर अंडा फ्राई हो गया है अच्छे से। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और चलते हैं पालक पीसने की प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम पालक डाल दिए हैं और इसी में एक बड़ा साइज पोट वाला लहसुन डाल दिए थे, 1 इंच अदरक और 1 टमाटर डाल दिए हैं। आप चाहे तो ये सबको अलग से भी क्रश करके डाल सकते हैं और हम इसी में पीस के डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल और डाल दिए थे 2 चम्मच, इसमें जिसमें हम अंडा फ्राई किए थे उसी में। और तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा या सरसों, आपको जो इच्छा है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर सरसों डाल रहे हैं थोड़ा सा। उसके बाद इलायची, 2 सूखा लाल मिर्च, दालचीनी के टुकड़ा 2,
और 2 तेज पत्ता। और इसमें हम प्याज डाल देंगे, 1 प्याज बड़ा साइज जो ताक पर रखे थे ये डाल देंगे। और यहाँ पर मसाला में लिए है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो गया है, तो इसमें अब हम मसाला डाल देंगे। तो मसाला से कुछ देर भूनेंगे, उसके बाद इसमें हम पालक डालेंगे। अब इसमें हम पालक जो पीस के रखे थे वो डाल देंगे। इसमें चलाते हुए मिक्स कर देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे जिसे नीचे से जले ना, और गैस के हम मीडियम ही रखेंगे और कुछ देर इसे और पकने देंगे। तो यहाँ पर पालक अच्छे से भुन गया है, फ्राई हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आपको और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो और ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पर थोड़ा ही पानी डाले हैं। और इसमें हम अंडा डाल देंगे। और इसे हम इस तरीके से चलाते हुए छुरनी से मिक्स कर देंगे। और अंडा डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसे हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर ढककर। तो लीजिए, अंडा और पालक करी रेसिपी बनकर रेडी है। और गैस को करेंगे ऑफ और इसे हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।